Very good morning, guys. This is Ronit and Bastarik. Bastarik. तो प्रैक्टिकली आज मॉर्निंग में आ गया, कुछ कुरियर करने वाला था आज, बाकी कलकत्ता का कुरियर करना है, एमपी का कुरियर करना है, तो सोचा कि मॉर्निंग पे कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी बज रहा है 11 बजने वाला है, आई एम ऑल्सो लेट, प्रैक्टिकली डिपार्चर्स अगर मार दें तो बेहतर है, और फर्दर आज नए डिपार्चर्स वगैरह रहेंगे तो उसको भी मारना है, क्योंकि कंपनी इस तरह से अगर पेबल करती है नो डाउट, तो हमें लगता है कि फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन जो अपलाइन से डिस्ट्रीब्यूट होता है हम लोग के ऊपर वो नहीं होने वाला, क्योंकि अपलाइन तो भी फोन ही नहीं उठाते हैं, क्योंकि अभी तक उनको वो रवैया पूरा हुआ ही नहीं है फोन नहीं उठाने वाला। बाकी इस तरह से अगर कंपनी कहती है कि बाउंस बैक कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन जिसम वाला का जो अभी हाल है नो डाउट उस पर करने मने के हम बात आ जाती है कि हर जिसम वाला से एक ही सवाल कर रहा है कि सर हमारा क्या होगा, जिसम का कोई फंडा अभी तक उठ ही नहीं रहा है, जो फायदा हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, इस पर बात गौर करने वाली बात है, कंपनी को सर एक बार ध्यान दें, जिससे उनका जब तक पे आउट ठीक से नहीं होने वाला है तब तक कोई फील्ड में इस तरह का भी प्लेजर नहीं दे सकते। हाँ, रिपर्चेस होगा, क्योंकि न्यू एंट्री की बात हो तो न्यू एंट्री हो सकता कि ना, रिपर्चेस नो डाउट हर कोई मारेगा, क्योंकि इनको पैसा निकालना है, अगर आप अच्छा खासा बिजनेस चाहते हैं तो आपको जिसम को पहले सुधार देना पड़ेगा, जिसम को पहले पे आउट कर देना पड़ेगा, आप जिसम को पे आउट कर देते हैं नो डाउट तो फिर जुपिटर का कोई बात ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं रणित फिर से एक बार आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी और एक नई सुझाव के साथ फिर से प्रेजेंट हो गया। काफी दिनों से ये देखने को आ रहा है या फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि कंपनी हमारी पे आउट अच्छी करने की कोशिश कर रही है, और ये हमारा मुद्दा भी है कि हमारा पे आउट जब तक तो सॉल्व नहीं होता है हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा भी सामने ये आ रहा है कि जीसीएम वालों का क्या होने वाला है, क्योंकि जीसीएम वाला अगर देखा जाए तो लगभग 70-90% या फिर आप कह सकते हो 70-80% लोग ऐसे ही हैं जो जुपिटर में अगर कन्वर्ट हुए हैं तो वो या तो जीसीएम वाले हैं या फिर आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स हैं। सिस्टम का हमारा आरएमसीएल का ये कहना है कि कंपनी एग्रेसिव प्लान या फिर जो भी पे आउट कर रही है वो टर्नओवर पे अपना पे आउट कर रही है माना, लेकिन एक बात हमें समझ में ये नहीं आई है कि जो आज जीसीएम को लेके आज आरएमसीएल में आए थे या फिर जो बंदे आज जीसीएम पे अपना आरएमसीएल में जैसे वो आए थे तो जीसीएम के साथ आए थे उनका क्या कसूर। आपने कहा, हमारे आरएमसीएल ने कहा कि ये प्लान को हम लोग टर्नओवर पे करेंगे, जो कि हमारे अपलाइन ने हमें नहीं बताया था कि कंपनी टर्नओवर पे प्लान देने वाली, क्योंकि प्लान तो डिस्कस उन्हीं से हुआ था, ये सब सारे विषय पे हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बातों को मैं फिर से एक बार दोहराना इसलिए चाह रहा हूं ताकि जो लोग आज ये भ्रमित कर रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि आज वो अगर आरएमसीएल में काम कर रहे हैं तो ना कि क्लब के लिए ना कि जीसीएम के लिए बल्कि पेयर बाइनरी और आपका आप कह सकते हैं कि रिवार्ड के लिए काम कर रहे हैं। ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें सुनने को मिल रहा है लीडर्स के मुंह से, कि उनके मैसेज से वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग आज आरएमसीएल में काम कर रहे हैं तो दो तीन चीज के लिए, जो कि आपका बाइनरी इनकम, रिवार्ड इनकम और पेयर इनकम। हालांकि यही लीडर्स आज से 2-3 महीना पहले, 6-7 महीना पहले वो जीसीएम पे जब आए थे तो कंपनी की टर्नओवर पे नहीं बल्कि ये कह के प्लान को पब्लिश कर रहे थे कि हर महीना 24,500 आपको दिया जाएगा 24 महीने तक। अब सवाल हमारा ये उठता है आपके सामने सर, कंपनी के सामने, कि कंपनी ने जनवरी में अपना एक आउटस्टॉर्मिंग निकाला था कि आउटकम ऑफ द बैंड स्टॉर्मिंग का, उसका क्या हुआ, क्योंकि जनवरी और फरवरी की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे लोग का 4,000 किन्हीं को 6,000 किन्हीं को 2,250 इस तरह से एंड्रोमेड आए हुए थे, लेकिन अभी इस महीने की अगर बात करूं, मार्च तो पेंडिंग हो ही गया, अप्रैल घुस गया आपका, आज हो गया आपका
तीसरा अप्रैल आज की अगर बात करूं तो ऑल्दो पूरे मार्च में कोई एंड्रोमेडा नहीं मिला, ना ही कोई पिन मिला। हालांकि हमारे कुछ यूट्यूबर्स दोस्तों का ये कहना है कि कंपनी ने 10-10 पिन सारे लोगों को प्रोवाइड कर चुकी है, और यह भी कहना है कि पिन अगर नहीं मिला है तो आप कंपनी को मेल करो, वो सारे डिटेल्स बता देंगे। मैं खुद एक जिसे होल्डर हूं और मुझे अभी तक 4 पिन मिले हैं, ओनली 4 पिन्स। लेकिन हमारे यूट्यूबर्स फ्रेंड ये कह रहे हैं कि 10-10 पिन मिले हैं, जिनसे एक बंदा, अगर एक बंदा चाहे, जिसे होल्डर चाहे, तो अपना 5 बाइक क्लब पूरा कर सकता है। तो पहला सवाल तो ये रहा कि सर 10 पिन आया ही नहीं, मात्र 4-4 पिन कंप्लीट हुआ उसके बाद गायब। एंड्रोमेडा की अगर बात करूं सर, तो एंड्रोमेडा लगभग कुछ लोगों का आया था, मैं मानूंगा कुछ लोगों का आया था जो लगभग 6-7 या फिर आप कह सकते हैं 4-6 हजार के बीच में उनको आया था। ये मेरे पास मैसेज भी आया था कुछ लोगों का, जो मेरे कलीग्स हैं, जो दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि मेरे पास 6 हजार आया और 4 हजार आया। लेकिन मैंने खुद की अगर बताऊं, मैं सेल्फ की बात करूं, तो मुझे मात्र 2250 का एंड्रोमेडा आया हुआ था। मुझे ये भी पता है कि ये वीडियो देख के जो आज लीडर्स जो होंगे, आरएमसीएल के लीडर्स होंगे, जो उनको फिर से जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं बात ही कर रहा हूं जिसे होल्डर का। और क्यों ना करूं, क्योंकि जिसे होल्डर्स नहीं, लीडर्स को अगर पहचान मिला भी है तो जिसे होल्डर की वजह से। एक डायमंड को अगर परिचय मिला है तो वो जिसे होल्डर की वजह से। तो इस विषय में चर्चा करना हमारा बनता है। जो आज मार्केट में लोग घूम रहे हैं अपने आप को लीडर कहते हुए, तो सबसे पहले ये तो आप जान ले कि आपका टैग जो लगा है ना, वो जीसीएम होल्डर की वजह से ही लगा है। हम लोग आए थे आपके नीचे, उसके बाद आप ऊपर गए थे सर, तो आप हमें इस तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि कंपनी, अगर आप सोच रहे हैं या फिर कंपनी अगर प्लानिंग कर रही है कि अब जीसीएम होल्डर को कुछ नहीं देना है, तो ये गलत है। एक बार सोच के देखिए कि बाकी लोग आज जो फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, वो सारे जिसे मोटर्स, उनका क्या होगा? क्या आप उनके प्रति ये चीज कर सकते हैं? क्या आप उन सही कर रहे हैं? एक बार सोच के देखिए, जो लीडर्स है, इवन कुछ लीडर्स का ये भी कहना है, मैंने पहले वीडियो पे कहा था, ये बताया भी था, कुछ लीडर्स का ये भी कहना है कि ये सारे वीडियोस बना के कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप ये बताओ कि एक बंदा अपना पर्सनल थॉट्स कहां शेयर करेगा सर? अपलाइन से जो हेल्प ही नहीं करते, कंपनी से जो फोन ही नहीं उठाते। तो आज अगर एक दूसरे से हम लोग अगर जुड़े हुए हैं, आप जो कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग बता रहे हैं, तो उसमें फटती क्यों है? फटनी तो नहीं चाहिए। वैसे तो फेमस हो ही गया हूं कि मैं मुंह पे ही बोल देता हूं, बोल्ड बोल देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल्ड बोल देता हूं, लेकिन सच्चाई को बयां करना मैं चाहता हूं कि आज क्या हो रहा है। प्रैक्टिकली एंड्रोमेडा की बात करो पूरे मार्च में, तो मुझे लगता है 90% लोगों को कुछ मिला ही नहीं होगा। 100% ये मान के चलो कुछ लोगों को मिला नहीं होगा। और 24,500 की बात करूं तो लगभग 6-7-8 महीने तक मिला था, उसके बाद और कुछ हुआ ही नहीं। तो कंपनी अगर ये सोच के डिसाइडेड की हुई है कि कुछ दिन चला के फिर स्टॉप कर देना है, क्योंकि आप सारे लीडर्स को पता होता है। मैं ये चीज इसलिए वीडियो में बता रहा हूं कि जो भी ऊपर वाले आज लीडर्स है, ये सब बातें आपको पता होता है, आपको पता होता है, फिर भी आप टीम में इस चीज को नहीं बताते हैं। हम लोग को मूर्ख समझते हैं और हमें जोड़ने के लिए उत्साहित करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। थोड़ा सा वाकया मैं आपको डिस्कस देना चाहूंगा। एक वक्त था जब हमारे एंड्रोमेडा फंड आया हुआ था, एंड्रोमेडा फंड, एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे और बोला जाता है कि आज ही लास्ट डेट है, इसके बाद एंड्रोमेडा काम नहीं आएगा, 12 बजे के बाद एंड्रोमेडा खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो जो भी आज एंड्रोमेडा को यूज नहीं किए हुए हैं, तुरंत अपने एंड्रोमेडा को यूज कर लीजिए। ये क्यों बताया जा रहा था? क्योंकि काफी लोग एंड्रोमेडा को यूज नहीं कर रहे थे, जैसे वेबसाइट पे पड़ा हुआ था वैसे पड़ा हुआ रह जा रहा था, तो लोगों ने तुरंत अपना लगा दिया। मैंने भी किया, लगाया, मेरे पास 5,000 पड़ा हुआ था, मैं 4,500 ट्रांसफर करवाया, 4,000 ट्रांसफर कराया और 1,200 समथिंग 1,000 मैंने उसको रहने दिया। मैंने डेपो वाले से कहा कि इसे रहने दो सर, इसे मत निकालो, मैं देखता हूं क्या होता है। जहां की कहना यह था कि 12 बजे के बाद वो गायब हो जाएगा, विश्वास मानिए 3 दिन हो गया उस डे के बाद, एंड्रोमेडा जैसे था वैसे का पड़ा हुआ रह गया।
तो यहाँ पे झूठ जो बोला, यहाँ पे झूठ कौन बोला? ये लीडर्स ही बोला। तो आप अपने उस वीक का पेमेंट का अच्छा बनाने के लिए आपने झूठ बोल दिया कि एंड्रोमेडा को यूज कर लो, नहीं तो वो खाली जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या ये आपको पता नहीं था? क्या ऊपर वाले बातें आपको पता नहीं होती हैं? सारी चीज पता होती है सर जी, आप लोग बताते नहीं हो, आप लोग बताते नहीं हो। आप कहोगे फिर से कि मैं नेगेटिव हूं। कहां नेगेटिव हूं सर, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं, मैं जुपिटर पे एक्टिव हूं। आप मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि मैं एक्टिव नहीं हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं काम कर रहा हूं। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। अभी आप लेटेस्ट बोल के ये पीछे मुकर जा रहे हो कि आप बाइनरी के लिए काम कर रहे हो, रिवर्स के लिए काम कर रहे हो, पेयर्स के लिए काम कर रहे हो। भाई ये कहां का हक है, ये कहां का कानून है? दिखाने के लिए दांत अलग, खाने के लिए दांत अलग। ये कहावत है हाथी का, दो तरह का दांत होता है, दिखाने के लिए कुछ अलग दांत होता है और खाने के लिए कुछ अलग दांत होता है। तो वही कर रहे हो, हाथी बन रहे हो क्या? दुमो है, सांप नहीं बनना है सर। तो सबसे बड़ा सवाल अभी ये उठ के मैं आपके सामने रखता हूं कि आज जिसे मालूम का क्या होगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेता है? आज कोई शख्स अगर कुछ कर लेता है, कुछ भी अगर कर लेता है, मैं खुदा ना खासा कुछ ऐसा हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज कई लोग, हजारों हजारों लोग जो इंस्टॉलमेंट में लिए हुए हैं, कहीं से मई लोन लेके किए हुए हैं, उनका क्या होगा? एक बार सोच के देखिए, क्या आप सही कर रहे हैं? क्या सिस्टम सही कर रही है? या आज ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, एक बार सोच के तो देखिए। सिर्फ लीडर्स, कंपनी अगर एक स्टेबल प्लान पे अगर रह जाए तो कोई माए का लाल नहीं कि प्लान हिला दे। इन कंपनी लोगों की बात सुन रही है और तरह तरह के रंग बदल लिए है, इसलिए कंपनी स्टेबल नहीं हो पा रही है। तो पहले तो सर ये आप डिस्कस कीजिए, ये आप सोचिए कि कंपनी को जीसीएम के लिए क्या करना है। हाँ, कता भी ये ना सोचे कि जीसीएम को अब स्टॉप कर देना है, क्योंकि स्टॉप कोई हल, कोई मसला नहीं है इसे बंद कर देने के बाद कि कंपनी स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इससे प्रॉब्लम और क्रिएट होगा, कंपनी पे लायबिलिटी और बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक मैं जहां तक जानता हूं कि जो लोग आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जुड़े हुए भी होंगे ना, जिससे मेरा उससे पहले भी जुड़े होंगे, काफी लोगों को तो प्रोडक्ट मिला ही नहीं, काफी लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिला है। इवन जुपिटर की बात करूं, जुपिटर बूस्टर भी मैंने खुद के नीचे ऐसे कुछ कई लोग हैं जो 17 ID, 20 ID, 25 ID लगाए हुए हैं, उनको खुद को प्रोडक्ट नहीं मिला है। तो कंपनी तो ऐसे लायबिलिटी पे है, ये प्रोडक्ट नहीं दे पा रही है। अरे कितना सिलोगे यार, सिलने का भी एक थोड़ा सा होता है, क्या कहते हैं उसे, लिमिट होता है। एक पैंट को इतना मत सिल दो कि हर जगह सिलाई दिखे, सिलने का भी एक थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है। तो उसे चेष्टा कीजिए कि माहौल को ठीक करने का। ये डिस्कशन जो है इसको नेगेटिव वे में ना लें, क्योंकि जीसीएम होल्डर्स ही हैं, जीसीएम ही है जो आरएमसीएल को आज इतना बड़ा मुकाम दिए थी। उसके पहले भी था, जीसीएम के पहले भी आरएमसीएल था, लेकिन मुझे लगता नहीं है उस समय ग्रोथ था। मैंने शेयर कल देखा, शेयर के ग्राफ को भी देखा, उतार चढ़ाव को भी देखा, जब जीसीएम आया हुआ था बहुत बेहतरीन स्ट्रांग लेवल पे किया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे जीसीएम को अपने स्टॉप करवाया, लीडर्स ने झूठ बोलना छोड़ दिया, आप देख सकते कंडीशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरएमसीएल खराब है, नो, लोग ये भी कह रहे हैं कि सर इसको चेंज करके आप दूसरा कंपनी करो, नो, आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर दैट। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पैसे यहां फंसे हुए हैं, मैं यहां पे इन्वेस्ट किया हूं, मैंने आरएमसीएल को ट्रस्ट किया है, तो जाहिर सी बात है जब तक यहां मेरा वही खाता चुकता नहीं हो जाता, निकलने का कोई सवाल ही नहीं होता। पहले वही खाता मेरा यहां पर चुकता हो जाए, उसके बाद किसी और के बारे में सोचा जाए। अब बात आती है सर कि जो ब्रेन आउटस्टॉर्मिंग आपने निकाला था जनवरी में हो या फिर फरवरी में हो, जनवरी में सॉरी, उसका क्या होगा, उस ग्राफ का क्या होगा जिस ग्राफ पे आपने डिसाइड किया था कि हर महीना एंड्रोमेडा, हर महीना आरकेएस और हर महीने हर जिसे मोडर को पिन दिया जाएगा। क्योंकि कंपनी अपने वादे पे तो खरा नहीं उतर रही है। आपने कहा कि मैं ये दूंगा, आपने कहा कि मैं वो दूंगा, किसी भी देने में आपने समर्थ नहीं रखा,
और लोग सेटिस्फाइड नहीं है। आपने कहा कि प्लान स्टॉप करके, पे आउट स्टॉप करके ब्रेन स्टॉपिंग का लागू किया जाए पिन पे, उसमें भी एग्री हो गए हम लोग कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर स्पिन तो मिलेगा, क्लब तो हिट हो जाएगा, लेकिन आपने उस पर भी अपना फेल जमा दिया। तो लीडर्स एक बार कॉल करने से जरूर सोच लीजिए कि आप किन से बात कर रहे हैं। मैं फील्ड वर्कर हूं भाई, आप मुझे बोल के बदल नहीं सकते, क्योंकि ये मुंह तभी बंद होगा जब आरएमसेल सच में स्टेबल हो जाएगी हमारी। मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर हूं, प्राउड फील करता हूं, लेकिन ये तभी काम पूरा हो पाएगा जब आप अपने सुझाव को खुद जाके कंपनी में बताते हैं, ये तभी जाके सॉल्व होगा। तो आज वीडियो को लेंदी ना करते हुए इस मुद्दे को यहीं पे मैं खत्म करता हूं कि हमारा पे आउट कब से चालू होगा। लोग वेट कर रहे हैं 5 अप्रैल तक सारा चीज सही हो जाए, 1 अप्रैल तक सारा चीज सही हो जाए, क्योंकि ये लीडर्स ही हैं जिन्होंने फील्ड में आके ये कुछ कहा है कि 1 अप्रैल तक सारा चीज ठीक हो जाएगा। अब देखना ये है कि लीडर्स की बात कितने सही होते हैं और कितने प्रतिशत बात झूठ निकलता है। आइए इसी के साथ आज इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। बाकी कल की वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें मैं आपको कुछ और लेटेस्ट न्यूज बताऊंगा कि जीसीएम का कंपनी ने क्या प्लानिंग किया है। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू।